हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज बाबू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लाइफ लाइन किंग एंड अनदर व्लॉग। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो है टोश कैसे बनता है, उसका फुल प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से क्या से उसके आटे गूंदे जाते हैं, किस तरीके से वो काटे जाते हैं, उसके बाद वो पकाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसकी मशीनें क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि टोस्ट कैसे बनाया जाता है। मैं फैक्ट्री के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मशीन है जिसके अंदर जो है वो आटे गूंदे जा रहे हैं। बोलो भाई, ये आटे गूंदने के बाद का क्या प्रोसेस है? बढ़िया लगेगा। नहीं नहीं, मतलब अब इसमें क्या क्या डालोगे? अब इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बाद ये मतलब ये पूरा सनने के बाद अब ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको कटाई के लिए लेके जाएंगे, है ना? तो पहले इसको जो है अभी यहाँ सान लेंगे, उसके बाद इसको टेबल पे लेके जाएंगे कि छोटी छोटी लोई बनेगी और लोई के आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, है ना? उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल में जो है ये यहाँ से आटा गूंदने के बाद यहाँ पे जो है ये टेबल के ऊपर आएगा और यहाँ पे सनाई मतलब कटाई होगी उसकी, और उसके बाद जो है ये मशीन के अंदर जो है वो इसको छोटी छोटी लोई में डाला जाएगा और उसके बाद वो जो है यहाँ से बाहर आएगा। ये मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो आता है। ठीक है, बात जो है यहाँ पे देखिए सारे लोग जो है यहाँ पे इस तरीके से इसको लोई को जो है ना इस डिब्बे के अंदर डाल करके इसको चिपटा कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो डाल रहे हैं। उसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए ऐसा रख देंगे ना, मतलब कितने घंटे रखते हैं इसको? ऐसे कम से कम 2 घंटे इसको रख देंगे, ढक देंगे इसको। इसको 2 घंटे तक जो है वो इसको ऐसे क्या लगाया जाएगा? अभी जाएगा मतलब इसको ढाक कैसे रख देंगे ना 2 घंटे के लिए, तो ये फूक जाएगा। तो इसको जो है ना 2 घंटे के लिए इसको ढाक के रख देंगे, उसके बाद ये ना फूक जाएगा। और उसके बाद जो है फिर इसको मशीन के अंदर डाल करके इसको हीटिंग पे लेंगे, काफ़ी मतलब ऐसा स्पंज टाइप का हो जाएगा। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हो जाता है। उसके बाद जो है ना इसकी कटाई होती है, मैं आपको अभी इसको दिखाता हूँ कि इसकी कटाई कैसे होती है। तो वो कटाई होने के बाद उसको जो है ना एक ट्रे होता है, उस ट्रे के ऊपर जो है उसको लगाते हैं ताकि जो है वो उसको पकाने के लिए लेके जाएं। तो ये जो है ना एक दूसरी मशीन है, ये मशीन, इसके अंदर जो है वो कटाई हो रही है। मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ कि किस तरीके से कटाई होती है। ये यहाँ पे देखेंगे इस साइड में, यहाँ पे ये जो देखिए आप हमारे सामने इस तरीके का हो जाता है, और उसके बाद इसको जो है इसी के अंदर लगा देते हैं और ये मशीन जो है वो चल रही है। तो ये कटाई करके इस टाइप का जो है वो टोस्ट निकल रहा है। ये देखिए इस टाइप का ये टोस्ट निकल रहा है। अब इसको जो है वो भाई साहब आप लगा लो इसको, ये इस तरीके से देखो इसको इस तरीके से इसको लगा देते हैं। उसके बाद इसको रैक ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली के अंदर डाल करके ओवन मशीन के अंदर डालते हैं ताकि वो पक जाए अच्छे से। और वो पकने के बाद पैकेजिंग होती है, वो ओवन मशीन में आपको दिखाऊंगा, और वो पैकेजिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये जो है इस टाइप की ट्रॉली होती है, ये देखेंगे इस टाइप की ट्रॉली है, और इसके अंदर जो है वो ये रैक इसी तरीके से इसमें लगाया हुआ है। तो ये रैक को यहाँ पे लगा करके और लेके आते हैं इस मशीन के अंदर, यहाँ पे जो है इसको पकाया जाता है। अभी आप देखेंगे इसके अंदर, देखिए ये टोस्ट जो है वो घूम रहा है और ये पक रहा है। तो इस तरीके से ये पकता है, और पकने के बाद इसको निकाल देते हैं बाहर, बाहर निकाल के कुछ टाइम तक इसको ठंडा करते हैं, और उसके बाद इसका प्रोसेस है यहाँ पे पैकेजिंग के लिए आ जाता है। तो जब ये पैकेजिंग में आता है तो यहाँ पे जो है इसको मतलब इस तरीके से ब्रेक बना करके इसको पैक करते हैं, गिनती करके कि कितना पैकेजिंग में आएगा। उसके बाद इसको पैक करके यहाँ पे इसको इस टाइप से एक छोटा सा जैसा हीटर रहता है उस टाइप का बना करके
इसको रखे हैं और इसको यहाँ पे पैक करते हैं। तो ये पूरी वीडियो जो है वो आपको हमने पूरा प्रोसेस कैसा है क्या है मैंने आपको दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे एक रेड कलर की बटन दिख रही होगी, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।